राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। समझता हूँ कि आज भारत का कोई भी नागरिक नहीं होगा जिनके दिल में इनके लिए आज वो अफसोस नहीं होगा कि ये चले गए, इस वक्त चले गए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दे गोस्वामी के लिए। देश के लिए क्षति हुई है और मेरा विश्वास है कि उन्होंने जो काम किया वो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। कुछ दिनों पहले राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी और हम मेदांता अस्पताल गए थे आदरणीय नेताजी की तबीयत का जायजा लेने, और वहाँ आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत है, दुखी है। और आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया और एक राजनीतिक रूप, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम सब लोग, हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है। कि मुलायम सिंह जी इस दुनिया से चल बसे हैं, एक कदावर लीडर जिसकी ज़बरदस्त आज भारत को ज़रूरत थी। ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठता था और हर वक्त पार्लियामेंट की डिबेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात ज़रूर कहता था जो हुकूमत सुन सकती थी। सारी ज़िंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए, उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए ज़िंदगी दी इन्होंने। हर वक्त उसी के लिए सोचा। जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो ये सोचा कि वतन कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनको कैसे मजबूत किया जा सकता है कि भारत किसी खतरे का, हर खतरे का मुकाबला कर सके, ये इनकी थी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी भारत के लोग थे सबको एक जैसे जो एक माला में परोस कर चलाने की बात करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि एक ही धर्म जो है वो है, बल्कि हर धर्म की इज्जत करते थे और हर धर्म के लिए लड़ते थे। ये इनकी खासियत थी, बहुत बड़ी खासियत थी इनमें। मैं समझता हूँ कि आज भारत का कोई भी नागरिक नहीं होगा जिनके दिल में इनके लिए आज वो अफसोस नहीं होगा कि ये चले गए, इस वक्त चले गए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनाथ जयप्रकाश सिन्हा जी के विचारों से ओतप्रोत थे और हमारे तो संबंधी थे। हमारी बेटी वहाँ घर में है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था, सबको पूछना खाए नहीं खाए क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे हम, चूँकि सिंगापुर जा रहे हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दे गोस्वामी के लिए। नेताजी सबके प्रिय थे, बहुत
लंबा समय उन्होंने देश के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अपना जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश और वास्तव में तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका सरल स्वभाव, काफ़ी प्यार करते थे, मुझे भी उनका आशीर्वाद सानिध्य मिलता रहता था। उनके देहांत का हमें सबको बहुत दुख है। भगवान उनकी शांति को, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को, अखिलेश, टिम्पल, सबको मेरी तरफ से संवेदना कि वो इस बहुत बड़े दुखद घटना को सहन कर सकें। देश के लिए क्षति हुई है और मेरा विश्वास है कि उन्होंने जो काम किया वो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। बहुत ही एक दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव, वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ प्रभु से और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।